अगर मैं इसके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो इस बार डिजाइन बड़ा कमाल का रखा गया है, काफी लाइट वेट स्मार्टफोन है, स्लिम कर दिया गया है। सो दोस्तों, कई सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन, मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद अब फाइनली बारी आ गई है एक अफोर्डेबल एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च की। जी हाँ, वैसे तो बॉक्स देखकर आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ, नन अदर देन वन प्लस नॉर्ड कोर एडिशन 2 यानी कि वन प्लस नॉर्ड सीई 2 ये हमारे पास हमेशा की तरह लॉन्च के साथ ही आ चुका है और आज इसकी अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स, मैं हूँ शिवम चौधरी एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक फिल्म लगी है प्लास्टिक की, सबसे पहले उसको हमें यहाँ पर रिमूव करना होगा। सो ये है ब्लैक बॉक्स, कुछ कुछ पुराने बॉक्स की तरह ही यहाँ पर इसको भी रखा गया है और कोई इसके अलावा सील वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं है। सो लेट्स अनबॉक्स दिस, 1, 2 एंड 3 दोस्तों। और यहाँ पर बॉक्स जो है वो आपके सामने खुल गया है। सबसे पहले देखते हैं टॉप पर क्या है। तो यहाँ पर ये एनवेलप मिलता है आपको और इसके अंदर क्या है चलिए देखते हैं। तो सबसे ऊपर आपको ये टीपीयू केस मिलता है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है बल्कि इस पर एक वाइट शेड दी गई है, तो इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इसके अलावा क्या है इसके अंदर चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको द नॉर्ड टीम की तरफ से एक वेलकम मैसेज मिलता है, मेंबरशिप कार्ड मिल जाता है और यहाँ पर आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं एंड यस, यहाँ पर ये नॉर्ड के जो स्टिकर्स हैं वो भी आपको दिए गए हैं। तो इन सभी को भी हम साइड में प्लेस करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। इसके बाद देखिए बॉक्स में फाइनली हमारे पास स्मार्टफोन आ जाता है और नॉर्ड सी 2 को मैं देखने के लिए काफ़ी बेकरार हूँ, आप सभी भी होंगे। सो इसको जल्दी से क्विकली अनरैप कर देते हैं। ओ वाओ, तो कुछ कुछ यहाँ पर आपको फर्स्ट लुक में नॉर्ड 2 लग सकता है लेकिन काफ़ी शानदार और काफ़ी कुछ हटके इसमें दिया गया है जिसके बारे में इन डेप्थ में अभी हम बात करेंगे, पहले सारे बॉक्स कंटेंट पर नज़र डाल लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों ये चार्जिंग डॉक दिया गया है जो कि 65 वॉट का है, 65 वॉट सुपर बूक चार्जिंग का सपोर्ट इस बार नॉर्ड सीई में दे दिया गया है दोस्तों। और इसी के साथ आपको यहाँ पर मिलती है हमेशा की तरह नॉर्ड के साथ या वन प्लस के सभी स्मार्टफोन्स के साथ मिलने वाली ये रेड चार्जिंग केबल विच इज USB 2 Type-C। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉक्स कॉन्टेंट, लेट्स मूव ऑन टू द स्मार्टफोन नाउ। सो दोस्तों, ये है वन प्लस नॉर्ड सी 2 और इस बार इस स्मार्टफोन में काफ़ी कुछ बदल चुका है, चाहे डिज़ाइन हो, बैटरी हो, पावरफुल चिपसेट हो और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में वन बाय वन हम बात करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं डिज़ाइन के साथ। और सबसे पहले मैं ये IMEI स्टिकर जो यहाँ पर दिया गया है इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि कंप्लीट लुक आपको जो स्मार्टफोन की है वो यहाँ पर मिल सके। आप देखिए इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन को और ये जो कलर है ये है बहामा ब्लू कलर, इसके अलावा ग्रे मिरर कलर में भी ये स्मार्टफोन आता है, दो कलर ऑप्शंस में इस बार कंपनी ने वन प्लस नॉर्ड सी 2 को लॉन्च किया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है, पहले आपको यहाँ पर बिल्कुल प्लास्टिक ये लगता था वन प्लस नॉर्ड सी की बात करूँ तो बैक उसकी बहुत मिनिमल डिज़ाइन के साथ थी, लेकिन यहाँ पर इस बार कुछ कुछ जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। अगर आप यहाँ पर ये कैमरा बम्प देखें, कैमरा मॉड्यूल जिसको हम कहते हैं स्पेशली, इसके डिज़ाइन पर आप ध्यान दीजिए, बॉडी कलर कैमरा बम्प यहाँ पर दिया गया है और इसमें और बॉडी में बिल्कुल भी यहाँ पर गैप नहीं है। अगर आप ऐसे फिंगर आप लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होगा कि ये कुछ अलग से दिया गया है, यानी कि बैक कवर का पार्ट ही कैमरा बम्प को इस बार रखा गया है जिसके अंदर 3 कैमराज यहाँ पर लगाए गए हैं विद LED फ्लैश लाइट। बीच में यहाँ पर आप देखेंगे तो वन प्लस का लोगो दिया गया है और इन एंड फील की मैं बात करूँ तो जो इन एंड फील है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रिपी फील आपको ज़रूर इस स्मार्टफोन से आने वाली है, यानी कि ईजिली ये आपके हाथ से फिसलने वाला नहीं है। बात करें स्मजेस वगैरह की तो वो भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं और देख सकते हैं आप। और अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो यस, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। सबसे खास बात, ये वन प्लस का अभी तक का स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है। जी हाँ, इसकी जो थिकनेस है केवल 7.8 mm थिक रखी गई है और ये फील भी होता है, लाइट वेट भी काफ़ी है, केवल 173 ग्राम्स का इसका वेट रखा गया है। तो इन एंड फील के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इस बार वन प्लस नॉर्ड सी के साथ कंपनी ने अच्छा काम किया है।
अगर हम बात करें यहाँ पर साइड फ्रेम्स की, तो अगर आप देखेंगे राइट साइड की ओर, तो यहाँ पर केवल एक पावर ऑन ऑफ की दी गई है और जो उसका फ्रेम रखा गया है वो ग्लॉसी है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे बॉटम साइड की, तो यहाँ पर एक स्पीकर ट्रे है, इसके अलावा टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन एंड 3.5 mm का जो जैक है उसको रिटेन किया गया है, यानी कि इस बार भी आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड पर आप नज़र लगाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक वॉल्यूम अप एंड डाउन की दी गई है। वॉल्यूम रोकर कीज जो है अलग अलग हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये सिम ट्रे मिल जाती है, इसको इजेक्ट करके देख लेते हैं। तो ये जो दोस्तों सिम ट्रे है, ट्रिपल सिम स्लॉट यहाँ पर आपको मिलती है, दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड। जी हाँ, आपने सही सुना, इस बार नॉट सी में एक्सपेंडेबल मेमोरी दी गई है। आप 1 TB तक की मेमोरी अपने स्मार्टफोन की एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप पर देखेंगे तो एक माइक्रोफोन और दिया गया है फॉर नॉइज कैंसिलेशन। तो ये है साइड प्रोफाइल्स एंड लुक्स की बात, चलिए अब डिस्प्ले पर आते हैं। सो दोस्तों, OnePlus Nord C 2 पर 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, और खास बात यह है कि इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 20:9 है, यानी कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको काफ़ी कमाल का यहाँ पर स्क्रीन से मिलने वाला है। बेजल्स को अगर आप देखेंगे तो बेजल्स यहाँ पर जो आजकल सभी स्मार्टफोन्स फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल थिन बेजल दिए गए हैं साइड, और जो चिन है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी यहाँ पर ब्रॉड है। यहाँ पर आप देखेंगे टॉप लेफ्ट पर आपको पंच होल मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर सेल्फी कैमरा लगा है, और यहाँ पर स्पीकर ट्रे दी गई है ब्लैक में, जिससे कि आपको वो अलग से यहाँ पर दिखाई ना दे। अगर मैं बात करूँ रिफ्रेश रेट की, तो 90Hz का स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है, और आप बड़े ही आराम से सेटिंग्स से इसको स्विच भी कर सकते हैं बिटवीन स्टैंडर्ड एंड हाई। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वीडियो कलर एनहेंसर यानी कि AI एनहेंसर मोड मिल जाता है, जिससे आप जो डिस्प्ले के कलर हैं उनको HDR से HDR में आराम से एनहेंस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एम्बिएंट डिस्प्ले दी गई है, जिसमें जो ऑलवेज ऑन का सेक्शन है उसको इम्प्रूव इस बार कर दिया गया है, और डार्क मोड वगैरह आपको इस डिस्प्ले के ऊपर मिल जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन जो है वो इस डिस्प्ले के ऊपर दिया गया है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर चाहे Amazon Prime हो या Netflix हो, उस पर जब कंटेंट देखेंगे तो जो कलर्स होंगे वो थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा एनरिच और डीप आपको इसके डिस्प्ले पर दिखाई देंगे। आइए परफॉर्मेंस पर चलते हैं। सो दोस्तों, OnePlus Nord CE 2 पर आपको Oxygen OS 11 मिलता है, विच इज़ बेस्ड ऑन Android 11। हमेशा की तरह आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ एक OnePlus की ऐप्स तो प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं, लेकिन मोस्टली ये जो OS है ये आपको यहाँ पर क्लीन मिलता है विदाउट एनी ब्लॉटवेयर। तो इसके अलावा अगर बात करूँ चिपसेट की, तो वो है यहाँ पर MediaTek Dimensity 900 चिपसेट, विच इज़ 6nm फैब्रिकेशन बेस्ड, और जो GPU आपको यहाँ पर दिया गया है वो है ARM Mali G68 MC4। इसके अलावा अगर स्टोरेज की बात मैं करूँ, तो इसमें रैम के दो ऑप्शन इस बार दिए गए हैं, 6GB रैम और 8GB रैम, और ये जो रैम है ये LPDDR4X टाइप है। वहीं स्टोरेज की बात की जाए तो 128GB का सिंगल स्टोरेज ऑप्शन इस बार इस स्मार्टफोन में दिया गया है, क्योंकि जो एक्सपेंडेबल स्टोरेज है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। माइक्रो एसडी स्लॉट इसमें दी गई है, जिसकी मदद से 1 TB तक आप मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे। वहीं बैटरी की बात करें तो उसको भी इम्प्रूव किया गया है, और यहाँ पर आपको 4500mAh की डुअल सेल बैटरी मिलती है, जो कि दो सेल की बैटरी से मिल जाती है 2250 और 2250mAh की, जिसकी मदद से आपको यहाँ पर इम्प्रूव बैटरी बैकअप मिलेगा और फास्ट चार्जिंग तो मिलेगी ही। और फास्ट चार्जिंग इसलिए मिलेगी क्योंकि 65W की सुपर वोक चार्जिंग का सपोर्ट इस बार स्मार्टफोन को दिया गया है। और सिक्योरिटी के लिए मैं बात करूं तो फेस अनलॉक तो मिल ही जाता है, इसके साथ यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी स्मार्टफोन पर लगा है। आइए अब बात करते हैं कैमरास की। तो दोस्तों, कैमरा स्पेक्स की अगर आप बात करेंगे तो वो तो आपको OnePlus Nord CE जो पुराने वाला है उसकी तरह ही कुछ कुछ लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको प्राइमरी कैमरा 64MP का मिलता है। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और 2MP का मैक्रो लेंस दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट पर भी 16MP का ही सेल्फी कैमरा दिया गया है। अगर बात करें कैमरा UI की, तो यहाँ पर आपको नाइट मोड, वीडियो मोड जिसमें आप 4K तक की मैक्सिमम वीडियो बना सकते हैं, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट है, और मोर में ये नॉर्मल ऑप्शन जो आपको मिल ही जाते हैं नोट के हर दूसरे स्मार्टफोन्स में, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें एक्स्ट्रा HD मोड जो है वो भी शामिल है। अगर आप बात करते हैं सेल्फी की, तो सेल्फी में भी ये सभी मोड्स मौजूद हैं, और वीडियो आप यहाँ पर फुल HD तक मैक्सिमम बना सकते हैं। अगर आप नज़र डालेंगे कैमरा सैंपल्स पर, तो
इस बार मैंने फोटो जो है इसके रियर साइड के कैमरा से क्लिक की है, आप देख सकते हैं कलर्स यहाँ पर वाकई डीप है और ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन वो कितना है ये इसके लिए आपको हमारा कैमरा रिव्यू जो है वो ज़रूर देखना होगा OnePlus Nord C2 का। और ये है सेल्फी जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन से निकाली है। फिलहाल आपको ये सैंपल्स कैसे लग रहे हैं आप कॉमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बता सकते हैं। बात करें अगर कनेक्टिविटी की तो आपको इस स्मार्टफोन के ऊपर वाईफाई मिल जाता है डुअल बैंड, इसके अलावा ब्लूटूथ 5.2 है और NFC एंड GPS भी मिल जाता है। एट लास्ट अगर बात करें प्राइस की तो वो मैं आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो प्राइस जो है वो अभी रिवील नहीं हुआ है। हालांकि अगर पुराने नोट सी का प्राइस हम देखें तो वो आपको 25 से लेके 28-29 हज़ार रुपये तक का मिल जाता था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसका भी जो प्राइस है वो 27-29 के बीच रखा जाएगा। अगर ये सही हो जाता है तो थम्स अप कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा, और अगर गलत हो जाता है तो मैं आपको सही प्राइस से ऑब्वियसली कमेंट पिन करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मदद से अवगत करा ही दूंगा। खैर अगर मैं इसके फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं तो इस बार डिज़ाइन बड़ा कमाल का रखा गया है, काफ़ी लाइट वेट स्मार्टफोन है, स्लिम कर दिया गया है, प्रोसेसर इंप्रूव्ड है, एक्सपेंडेबल मेमोरी ऑप्शन दे दिया गया है और भी काफ़ी कुछ बदलाव नॉट सी टू में हो गया है। आपको कैसा लगा स्मार्टफोन कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं, और इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।